मैं हूं निवेदिता। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले काफी दिनों से कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी चल रही है। अब एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए कंगना रनौत पर हमला बोला तो कंगना ने सीएम का नाम लेकर उन पर पलटवार किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कंगना के पीओके और ड्रग्स मामले से जुड़े बयानों को नमक हरामी बताया है, जिसके बाद कंगना ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को कहा है कि आपके गंदे भाषण आपकी नाकाबिलियत का अश्लील प्रदर्शन है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, ठीक जैसे हिमालय की खूबसूरती हर भारतीय की है, ठीक वैसे ही मुंबई जो मौके देती है वो हम सभी से संबंधित है। ये दोनों ही मेरे घर हैं। उद्धव ठाकरे, आप हमसे हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनने और हमें बांटने की कोशिश मत कीजिए। आपके गंदे भाषण आपकी नाकाबिलियत का अश्लील प्रदर्शन है। बता दें, कंगना ने ट्वीट तब किया है जब हाल ही में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, उनके परिवार, यहां तक कि आदित्य ठाकरे पर काफी कीचड़ उछाला गया है। उन्होंने अपने संबोधन में कंगना के ट्वीट का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की थी। उद्धव ने आगे कहा, किसी ने कहा था कि मुंबई पीओके की तरह है, ये लोग मुंबई में काम करने आते हैं और फिर शहर का नाम खराब करते हैं, ये एक तरह से नमक हरामी है। एक ऐसी कहानी बनाई गई है जैसे मुंबई और पूरा महाराष्ट्र एक ड्रग हैवन है और यहां पर सब ड्रग एडिक्ट हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की बेइज्जती करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अब उद्धव ठाकरे के इसी बयान पर कंगना ने उन पर पलटवार किया है। बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कंगना रनौत लगातार महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर संगीन आरोप लगाती रही हैं। उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से करती थी और कहा था कि मुंबई में उन्हें डर लगता है। इसके बाद शिवसेना ने कंगना की तीखी आलोचना की थी। इस बीच मुंबई में कई याचिकाओं के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कंगना के खिलाफ राजद्रोह और सांप्रदायिकता फैलाने का मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली को 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन भी भेजा है। हालांकि कंगना ने पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए 15 नवंबर के बाद का समय मांगा है। वैसे कंगना के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।